जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, कल तो योग दिवस था ही, किंतु संयोग देखिए, कल जिस प्रकार से पूरे विश्व में हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश बना जिसने एक ही दिन में लगभग 87 लाख वैक्सीनेशन पूरे देश में, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ पे जाके खड़ा होता है। और जिस प्रकार से ये काउंटडाउन कल आरंभ हुआ, लोगों में एक उत्साह, एक उल्लास का माहौल था। सोशल मीडिया में हम देख रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि अब 50 लाख हो गया, अब 60 लाख हो गया, अब 59 लाख हो गया, अब 70 लाख हो गया, और शाम तक जैसे जैसे 80 लाख के ऊपर हिंदुस्तान वैक्सीनेशन में पहुंचने लगा, कहीं ना कहीं जो भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ है उसमें भारत जीत रहा है, उसमें भारत अवश्य जीतेगा, इस प्रकार का एक खबर, एक लहर पूरे हिंदुस्तान में आने लगी। किंतु दुखद है कि आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की है और कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। बंधुगण, आप सबने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए, कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है, और अथक परिश्रम केवल और केवल इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, कैसे इंडिया उससे डिरेल हो जाए, उसमें अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने किया है, बहुत टायरलेस एफर्ट किया है। आप याद रखिए, जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था, ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है, हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है, तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से, वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। मैं तो आज राहुल गांधी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी दूंगा, वो शायद हमसे एडवाइस नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी मैं दूंगा कि कब तक आखिर आप ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, कभी रियल काम तो करिए, कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। आज भी मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम, राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है, ही इज कंफ्यूशियस गांधी, हमेशा कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। आज उन्होंने व्हाइट पेपर के बारे में कहा है कि एक व्हाइट पेपर वो जारी कर रहे हैं और कुछ बिंदु उन्होंने कहा है। बंधुगण, हम भी एक व्हाइट पेपर लेकर आए, ये हकीकत है जो आज आपके सामने हम बयां करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर एक,
ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। छठा प्रश्न, सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। सातवां प्रश्न, किन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड किया था वैक्सीनेशन में? उत्तर, कांग्रेस ने। आठवां प्रश्न, किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर, कांग्रेस। कल इतना बड़ा ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस रहा, किन राज्यों में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक उन राज्यों में रहा है जिन राज्यों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहकर बिना वैक्सीन हेजिटेशन, मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, उन्होंने काम किया। और न्यूनतम किन में रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ। सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हो रहा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।